Hey guys, welcome back. मेरा नाम है अमन। So guys, आजकल मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरे घर को है ना मैं पूरा का पूरा है ना चेंज कर दूँ, मतलब पूरे घर को नहीं, उतना मेरा बजट नहीं है, सिर्फ ये ड्रॉइंग हॉल को लिविंग हॉल को, ठीक है। तो मैंने सोचा है यहाँ पे मैं है ना सोफा लगवाऊंगा, जो मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, मतलब कस्टमाइज मैंने सोफा बनवा दिया है, और उसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कौन से कलर का सोफा है। अरे जब आएगा ना तो मैं तुम्हें ना सरप्राइज दूंगा, समझे? ठीक है, देखते हैं। अगर खराब निकला ना भैया तो तू देख लेना, हमारे पसंद का होना चाहिए। यहाँ पे मतलब डाइनिंग टेबल आएगा हमारा, बहुत ही सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा एक मस्त सा छोटा सा टीवी यूनिट। ये लड़की को पढ़ने को बोल दो ना तो एक भी घंटा नहीं पढ़ती, लेकिन बाहर जाने को बोल दो तो फट देना तैयार हो जाती है लड़की। भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है, सिर्फ शॉपिंग करने के लिए। हाँ, मम्मी पापा भाई बहन के पैसे उड़ाने के लिए। सब गलत कामों में ना मम्मी है ना खुशबू का साथ देती है। मम्मी नहीं, साथ नहीं देती मम्मी। मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है मुझे बताओ तो जरा। मम्मी गलत काम करवा रही हो, इसको बोलो पढ़ने को बैठे। आप है ना इसको ले लेके घूमती रहती हो, जिससे ना ये बिगड़ जाती है पूरी की पूरी। नहीं आएगी तो पढ़ लेंगे, मेरी एग्जाम खत्म हो गई है, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सेम वन खत्म हुआ है, सेम टू तो अभी बाकी है। हाँ बहन, सेम टू जब आएगा तब सेम टू का पढ़ेंगे। एक उससे सीख, वो लड़की से बैठ कर सिर्फ पढ़ती रहती है, वैसा बन। वो तो सेम टू आएगा तो इसको बताऊंगी क्या होता है सेम टू। तो क्या खरीदने जा रहे हो मम्मी? जाती हूँ करवा चौथ का सामान खरीदने, वो चलनी, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर। हाँ हाँ, हो गया, नहीं इंटरेस्ट नहीं है मुझे ये सब सुनने में। ले खुशबू, अब से तू ब्लॉक करना ले। अगर मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया रहा गाइस तो आपको एक भी वीडियोस नहीं मिलेंगी, सॉरी। सारी की सारी बोरिंग होगी। चलो भैया पैसे दो। मम्मी कितना चाहिए बोलो, बहुत पैसे है मेरे पास, दे दो। 5,000 मांग रही है। पापा 2,000 रुपए दिए हैं, मैं भी 2,000 दूंगा, 4 हो जाएगा। हाँ 4,000 में करके आना जो शॉपिंग करना है वो। लो 2,000। वाह, 2, 3, 4। मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, मार्केट से खुशबू ही जाइए, क्योंकि मुझे बहुत ही कंटाला आता है मम्मी के साथ शॉपिंग करने में। सच बता रहा हूँ गाइस, मुझे बहुत ही ज्यादा कंटाला आता है। मुझे मतलब मेरे बॉयज गैंग जाती है ना तब मुझे शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है, जो मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, पर मैं अकेले जाके कराता हूँ। जाओ जाओ आराम से, 4-5 घंटे बाद आना है ना। 4-5 घंटे नहीं, 2 घंटे। पर मम्मी 4-5 घंटे रह सकती हो मार्केट में, मम्मी इतना तो आप लगाती ही हो। 4-5 घंटे आप घर से बाहर रहोगे तो मुझे बहुत मजा आएगा मम्मी। कुछ तो करने वाला है क्या? ना, ना, ना। करने दोगी तब ना, घर में तो बैठी रहती है ये लड़की, ये घर में बैठी रहती है, वॉचमैन मेरी ना, मैं दोस्तों को बुला सकता हूँ ना, कुछ हम पार्टी वार्टी कर सकते हैं, है ना? सही बात है ना, गलत बात। अच्छी वाली पार्टी। जल्दी मत आना, बाय। चलो बाय 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 बाय। आज तो बड़ी लेट की मम्मी, जो मैंने बोला वही किया, 5 घंटे बाद ही आई हो आप। तू बोला था इसीलिए मैं बोली कि देर से ही जाऊंगी। ठीक है, और खुशबू खाने के लिए मेरे लिए कुछ लाई है, क्या लाई है बहन? गोलगप्पे। गोलगप्पे मेरे फेवरेट वाले भैया के पास से लाई है ना। हाँ, अभी चुप रहो, मेरे पैर इतना दर्द हो रहा है ना, इतना घुमाया मेरी माँ ने, इतना घुमाया कि आज मेरे पैर दर्द हो गए। इस बार ना बहुत ही ठीक ठीक कलेक्शन आया था। तू बड़ी गई थी देखने के लिए ठीक कलेक्शन आया था कि नहीं मम्मी? अब मम्मी ना मेरे से आधा घंटा नहीं बोलेगी, क्योंकि मम्मी को बहुत सारा घर में ना गंदगी दिखी है, जो वो साफ करेगी फिर बोलेगी। अगर मेरे घर पे आना ना तो मेरे लिए पानी पूरी प्लीज लेकर आना, और लहसुन वाला पानी और जीरा वाला पानी प्लीज लेकर आना, ठीक है? तू तो नहीं खाएगी खुशबू पकौड़ी? क्यों, मैं क्यों नहीं खाऊंगी? तू तो खा के आई होगी, मुझे पता है। मैंने एक अन्न नहीं खाया उधर, सच बताना। नहीं खाई है। खाया है खाया, अभी तू अपनी मुंडी हिला रही थी, खाया है खाया, खा मम्मी की कसम। क्यों मम्मी की कसम क्यों खाऊं, मैं खाना खाऊंगी। ये झूठ बोल रही है, मैं अकेले खाऊंगा और पायल खाएगी ये। मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज। इतना तो गंदगी फैला कर रखे हो। कहाँ फैलाया है, सिर्फ इतना ही तो फैलाया है। देखो तो चॉकलेट की टॉफी खाए हो, पता नहीं क्या क्या रखे हो इधर कचरा। रुको रुको मैं साफ कर देता हूँ। मम्मी मेरी ऐसे ऑन कैमरा बेइज्जती मत करो प्लीज। ठीक है, लाओ लाओ मैं खा के। कैमरा क्या, आपकी तो ऑफ कैमरा भी बेइज्जती होती रहती है।
चलेगा, लोगों के सामने तो नहीं हो रही ना, तुम लोग करते वो अलग बात है, हो रही है। चल शट अप, यू जस्ट शट अप। 3-4 घंटे से है ना मैं इस चीज के लिए वेट कर रहा था, मुझे पता था ये लोग मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आएंगे, और 3-4 घंटे के बाद फाइनली मैं कुछ खा रहा हूँ, मजा आ गया। अब क्या कर रही है तू? मैं ना मेहंदी की फोटोज देख रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना मम्मी के हाथों में मेहंदी लगाना है। तेरे को क्या हुआ है कि तू ऐसे मुंह लटका के सोई हुई है? बुखार आ रहा है। मम्मी ने कुछ इतना सारा है ना शॉपिंग किया है खुद के लिए, और कुछ पूजा की सामग्री भी ली है, सो मैं आपको है ना फटाफट से बता देती हूँ मम्मी ने क्या क्या लिया है। सो सबसे पहले मम्मी ने लिया है ये रेड कलर की साड़ी। मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी कोई और कलर की साड़ी ले लो, कोई और डिजाइन ले लो, बट मेरी मम्मी को यही बहुत ही पसंद आ रहा था। पूरे 2 घंटे में है ना ये साड़ी डिसाइड किया है मेरी माँ ने। तू भी 2 घंटे में अपना कपड़ा सिलेक्ट करती है, तो तेरी तो माँ है, वो भी तो 2 घंटे लगाएगी। मैं करूँ तो वो अलग बात है। पायल अब तो तेरी तबीयत सही है? थोड़ी ठीक है। अरे मम्मी इसको दवाई दे दो ना। हो गया, बुखार उतर गया। अरे दवाई दिया आपने इसको? हाँ, मैंने दवाई खा ली है, मेरा बुखार उतर गया, लेकिन मेरा माथा दर्द है। ये है करवा चौथ का फोटो। अब हमें पता नहीं है कि ये माता जी है या भगवान जी है। करवा मैया जी होती है ना मम्मी? मम्मी वीडियो देख रही थी ना, तो मैंने सुना था करवा मैया है। और चांद की पूजा क्यों करते हो? वो पता नहीं, उतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता, जब मेरा समय आएगा तब मुझे पता चल जाएगा। अगर खुद में बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे मेरे को जाना है, तू जल्दी बोल। ये रहा करवा, इसके ऊपर हम डिया रखेंगे, उसके ऊपर दिया रख के फिर पैक कर देंगे। करवा तो मैं भी पेंट कर दूंगी। एक्स्ट्रा पैसा लिया होगा पेंट करने के लिए। इसने सिर्फ देखने का मम्मी का हक है। सो ये रही छन्नी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन की हुई है उसके ऊपर, जो मेरे हाथों से नहीं की हुई वो अलग बात है। खुशबू तू तो करना ही मत, बिगाड़ देगी। गाइस मैंने ना एक साल मम्मी के लिए सब कुछ रेडी किया था, ऐसे पेंट वो सब किया था, वो है ना सूखा नहीं, और उसके बाद मैंने ऐसे पकड़ लिया था तेल, आलमंड तेल। ओके, बहुत बड़ी बोतल है। फिर लिया है, हाँ हाँ हाँ, ये चूड़ी लाल कलर की, ये एक है ना 25 रुपए का है, तो ये 50 रुपए में दो। किसी ने पूछा तुझसे? नहीं, बता दिया किसी को लेना हो तो। ओके, फिर ये है पैर को कलर करने वाला। ये रहा दो मेहंदी और एक सिंदूर। अब ये मेहंदी की आर्टिस्ट बनेगी थोड़ी देर में। हाँ, मैं बहुत ही प्यारी प्यारी मेहंदी छापने वाली। खुशबू जो है वो मम्मी की मेहंदी लगा रही है, वाह खुशबू वाह। हाँ, और मुझे ना बिल्कुल लगाने का मन नहीं था, तो भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि गाइस ये लड़की है ना सो गई थी, और एक बार ये सो जाती है ना तो इसको सिर्फ सोना ही पसंद आता है, उसके बाद की कोई भी चीजें ना इसको पसंद नहीं आती। मैं है ना मेहंदी लगाना मम्मी को स्टार्ट करा, और मम्मी को तुरंत है ना नींद आने लगी। अब सामने वाला है ना इंटरेस्ट देता है, तब ना मेहंदी लगाने वाले को मजा आता है मेहंदी लगाने में, थोड़ा तारीफ कर दे कि हाँ बहुत ही अच्छा लगाया है, बट इनको तो सोना है। तारीफ करो, तारीफ बहुत अच्छा लगा। हाँ, सो सो के तारीफ नहीं करना, जग जाओ, उठो उठो। सही बात है मम्मी, आप तारीफ करोगे तो उसको है ना मतलब एनर्जी आएगी आपको अच्छी मेहंदी लगाने की। और मम्मी है ना हर बार सो जाती है मेहंदी लगाने के समय, इसलिए खुशबू को भी नींद आ जाती है ना। हाँ, और मैं तो बहुत ही पहले से ही ऐसे सोतड़ू हूँ। मम्मी इससे अच्छा हर बार जैसे बाहर मेहंदी लगवाती हो आप, वैसे ही लगवा लेने का, किसी से ना लगवाने का नहीं और किसी की बात नहीं सुनने की। नहीं नहीं, बाहर नहीं लगवाएंगे, बाहर पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं ना। और आजकल वो सारे तो डिमांड में रहते हैं, पता है मम्मी कितनी लंबी लंबी लाइन है ना लगी हुई थी जब मैं ट्यूशन गया था, तब मैं मॉल में गई थी ना। हाँ, तो वहाँ देखी तो मैं बोले कि हम घर पे ही मेहंदी लगवा लेंगे। बहुत लंबी लाइन। तो मम्मी एक हाथ का कितना लेते होंगे वो लोग? वो जैसा डिजाइन है वैसा लेते हैं, पर बेसिक तो होगा ना। 150 से चालू 150 रुपए से। हम लोग जो रक्षाबंधन पे लगवाते हैं ना वो 150 रुपए एक हाथ का लेते हैं, मतलब 300 में दो। हाँ, ओके, लगता है यही चालू करना पड़ेगा मेरे को। अभी इसको है ना ये मैडम को पढ़ना था पायल को, लेकिन अभी मेहंदी छापना है ना, तो देखो कैसे आ गई है मम्मी के पास। ऐसा थोड़ी ना चलता है पायल, घर के काम ऑन नहीं करती तू,
और मम्मी का सिर्फ मेहंदी छापना है तो पढ़ाई लिखाई बंद करके यहाँ पे आ गई, ऐसा नहीं चलता पाया। जो काम पसंद आता है मैं वही करती हूँ। पर ऐसा नहीं होता ना, घर का काम भी करना चाहिए, पोछा भी मारना चाहिए। मैं और खुशबू करते हैं, तू नहीं करती। कब किया है मेरे को बता देना। मम्मी से पूछ ले, आज ही किया है हम दोनों ने। वही तो, आज किया है ना खुशबू। हाँ मम्मी से भी पूछ ले, जा पूछ ले किया है। तू जब है ना 8 बजे सो रही थी ना, तब हम जग के पोछा मार रहे थे। Yes. आज पहले आज के दिन ही किया, क्योंकि आज तेरी छुट्टी थी। किया है ना? अरे कल कर लेना, ठीक है? कल मम्मी का व्रत रहेगा ना, कल कर लेना, ठीक है? मैं दिखाऊंगा गाइस करती है कि नहीं। इसको तो मेहंदी लगाने में अभी है ना 2 घंटे जितना लगेगा। अभी 11 बज रहे हैं, 1 बजे तक मैं नहीं जग सकता, इसलिए कल दिखाएंगे मम्मी के हाथों में खुशबू ने कैसी मेहंदी लगाई है। और आज से गाइस मैं रोज है ना वीडियो डालूंगा अमन डांसर रियल पे, प्लीज बने रहना और साथ देना। होप करता हूँ कि मैं ना रोज वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं डाल नहीं पाया था। लेकिन इस बार मैं ट्राई करूंगा अपने सच्चे मन से कि डालूं और आप लोगों को है ना मजे से एंटरटेन करूं, क्योंकि आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना पसंद है और मुझे वीडियो बनाना पसंद है, तो दोनों का काम हो जाएगा। सो ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।